एक्सक्यूज मी, वैक्सीन यहीं पे लग रही है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ एंट्री हो रही है, वैक्सीन वहाँ लग रही है। ओके, आई डू। बाय द वे, इसमें मेरी एज 22 मेंशन है, वैसे मैं 18 की हूँ। किसी ने पूछा तो इसमें वही लगी, वहाँ पे वैक्सीन लगवा ले, बैठ जाओ। एक्सक्यूज मी, वैक्सीन आप ही लगाओगे क्या? जी मैं लगाऊंगा, क्या हो गया? कोई लेडीज डॉक्टर नहीं है क्या? अरे बज्जू भाई तो लगनी है, इसमें क्या है? ओ अच्छा, मैं सोची कहीं और ही। आप देखो, ऊपर करो, सर ऊपर करो। आप है ना, थोड़ा आराम से लगाना, मेरी बेबी स्किन है। ओके, दर्द तो हम किसी को करते ही नहीं। ये लो। लग गई? हाँ। थैंक यू। सीरीज में वैक्सीन तो है ही नहीं। अरे किसको पता लग रहा है इसमें वैक्सीन है या नहीं है? सर जूम करके देखते हैं, 69 फॉलोवर्स है, समझते हो? मैडम दिमाग खराब कर रहे हो हमारा। सर प्लीज 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 वैक्सीन भर लो ना, इसके अंदर दिखाना ही तो है। एक्सक्यूज मी, आप कौन बोल रही हो? उनको बोल रही हूँ सर। एक फोटो लोगे फ्रेंड से, डॉक्टर के साथ हो जाएगी। ड्रम लगा रखा है मैडम, इतना टाइम थोड़ी होता हमारे पास ही। सर प्लीज मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगी, मेरे इंस्टा के लिए एक फोटो प्लीज। ओह माय गॉड, ये कैसी फोटो क्लिक की आपने? मैं कितनी मोटी दिख रही हूँ, मेरे इंस्टाग्राम के फॉलोअर्स क्या बोलेंगे कि चेता कितनी मोटी हो गई है। ओए मां, यार ये ऐसा नहीं चलेगा, प्लीज एक और फोटो क्लिक करो प्लीज। सर आप थोड़ी पास आ जाओ ना, क्या हो गया? कंग्रेचुलेशन, आप इतनी जल्दी सेकंड डोज लेने वाली इस दुनिया की पहली महिला बन गई हो। महिला नहीं, लड़की हूँ मैं, 18 साल की हूँ। हाँ लड़की, अब क्या होगा मेरा? अब आपका शरीर डॉक्टरों की रिसर्च करने के काम आएगा। वार्ड बॉय, इसके लिए जाके लेबोरेटरी में डाल दो। हाँ भाई, यो खाने का सौदा मेडिकल वाले दिए हुए इंजेक्शन लग गया पाछे। अरे हाँ, ये कुछ ना देते भाई, मैं तो इंजेक्शन लगवाना आधा खाली पेट है, तो मैडम ने बोली खाली पेट इंजेक्शन ना लग गए, गाँव में अपने पैसा सामान लेगा, अभी इसने खान लग रहा हूँ। अरे ये मेडिकल वाले ने फद्दू बना कर, मैं आ रहा हूँ खाली पेट, यार खाना पेट में जाना, इंजेक्शन आड़ लगना, इसका इसका के संबंध, मैं आ रहा हूँ खाली पेट, मैं लगवागा हूँ भाई भी, देखिए मेरा के बगड़ा गात में जान होनी चाहिए पहलवान। मोहित। हाँ जी मैडम, आया, देखिए मेरा नंबर आ गया, यो यार यो आया लगा। आईडी दिखा भाई। आईडी लो जी। कुछ खा पी का हो ना, खाली पेट तो ना हो ना। अरे मैडम खा पी का एकदम मस्त, स्टील की बॉडी हमारा कुछ ना बगड़ता, लावा। हेलो। हाँ भाई। देख भाई पहलवान लगवाया, कुछ होया मरे, ये मेडिकल वाले नु ड्रामे करे जाया करे।
क्या? हाँ नहीं 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 फिर यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ लगवाना है तो आओ फिर लगाओ इंजेक्शन। आईडी, आधार कार्ड। अच्छा आधार कार्ड। इतनी मोटी सुई है। इंजेक्शन तो मैं बच्चों को भी लगाती हूँ। चलो हाथ आगे करो। पहले एक मिनट, ये दवाई मेरे मुंह में डाल दो प्लीज। ये इंजेक्टेबल वैक्सीन है, ये इंजेक्शन से ही दी जाती है, समझे? डरपोक कहीं के, हाथ आगे करो। चलो अभी तो लगाई भी नहीं है, रो क्यों रहे हो? अरे मैडम सुई लगेगी तो मैं मर जाऊंगा। इतनी सी सुई से कोई मरता है? मैं मर जाऊंगा। तुम एक काम करो, रिलैक्स हो, अपने माइंड को शांत करो और तुम बहुत बहादुर हो, ठीक है ना? रिलैक्स मन से सोचो, ओके? फिर लगाती हूँ मैं। सोचता हूँ मैं। ये कहाँ का है वो गया? कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके बताना, और इसको लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। और बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से मुझे मैसेज कर रहे थे कि भाई आपके चैनल पे वीडियो क्यों नहीं आ रही है, तो मैं आपको बता दूँ, कुछ को तो पता भी है लेकिन जिनको नहीं पता है मैं बता दूँ, क्योंकि मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब करता हूँ। और आपको बताइए पिछले 1.5 साल से करीबन ये कोरोना की जो महामारी है चली हुई है, तो इस वजह से हमारी ड्यूटी उसी में लगी हुई थी। और आपको बताइए कि हम हॉस्पिटल वाले तो फ्रंट लाइन में रहकर इससे लड़े हैं, और काफ़ी हद तक इस पे हमारे देश ने मतलब कंट्रोल कर लिया है। तो अब थोड़ा सा कम हुआ है तो मैं शूट स्टार्ट कर दिया है, पहली वीडियो आपके सामने है। और उम्मीद करता हूँ अगर तीसरी लहर नहीं आई तो ऐसे ही आपको नई नई वीडियो दिखाता रहूँगा। और इस वीडियो में जो दिखाया गया है ना, तो इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, ये सिर्फ आपको हंसाने के लिए बनाई गई थी। इस पर ज़्यादा गौर मत करना, इसमें क्या था क्या नहीं था। सबसे ज़रूरी बात ये है कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन करवाया है या नहीं करवाया है, ठीक है? जिन्होंने करवा लिया है तो गुड, अगर जिन्होंने नहीं करवाया है तो वो अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें, ठीक है? हमारी जो वैक्सीन है वो बहुत सेफ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है कि आपको कोई परेशानी आएगी। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सब ये अफवाहें हैं, इन पे ध्यान मत दो। अगर डॉक्टर्स की माने तो आने वाली जो तीसरी लहर है उससे बचने का एकमात्र साधन यही है, वैक्सीन। वैक्सीन ही आपकी जान बचा सकती है, नहीं तो बीमारी ये बहुत खतरनाक है। हमने तो बिल्कुल मरीजों को अपने सामने इससे लड़ते हुए देखा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो वैक्सीन ज़रूर लगवा लें और अपने आप को और अपने परिवार को जरूर बचा लें। और वैक्सीन से लेकर और कोरोना से लेकर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गाइज। दोबारा कहना चाहूँगा कि वैक्सीनेशन सब लोग करवा लें। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।